ओ सर जी, इस इलाके का तो चप्पा चप्पा जानते हैं जी। सर जी, यहाँ जो छोटे छोटे हरे हरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे अंगूर है ना जी, इनसे चार दुनी वाइन बनती है। What? हाँ जी पाजी, चार दुनी वाइन बनती है इनसे। You mean शार्दुने? उसी को पाजी हिंदी में चार दुनी बोलते हैं। तुम किस इडियट को यहां ले आई? मैं तुम्हें बताता हूं वाइन्स के बारे में। इन्हें देखो, ब्लैक स्किन ग्रेप्स, इनसे जिनफेंडल वाइन बनती है। राइट। हमारे कैलिफोर्निया में इसकी बहुत वैरायटीज मिलती हैं। वो लुक एट दैट, दैट्स माय पर्सनल फेवरेट। आई मीन पाजी, पाजी क्या हो गया पाजी? उठ जाओ पाजी, उठ जाओ, उठ जाओ। माफी चाहते सर जी, माफी चाहते, बड़ी गलती हो गई, आप तो बहुत गिर गए सर जी। ओहो, आपके तो कपड़े भी इतने गंदे हो गए पाजी। सो सॉरी पाजी, माफी चाहता हूँ जी। मैं दो मिनट में चेंज करके आता हूँ सर जी। सॉरी सर जी, सर जी माफी चाहता हूँ सर जी, गलती हो गई सर जी। कहाँ से पकड़ के लेके आई हो इस नमूने को? इससे बात करने के अलग पैसे लूंगा मैं। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, तुमने इस इडियट को भगा दिया। आई एम सो हैप्पी डूड। ये तो चला गया, लेकिन हम अभी यहीं हैं इस विनियर्ड में इन अंगूरों के बीच। और इससे पहले कि ये अंगूर तुम्हारी मुस्कान ले जाए, एक सेल्फी ले लेते हैं। एक मिनट। क्या हुआ? इतना महंगा स्मार्टफोन तुम्हारे पास, तुमने खुद लिया है? इतना फंबल क्यों मार रहे हो तुम? जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम्हारी जितनी सैलरी है उसमें तुम ये फोन तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर इतना महंगा स्मार्टफोन तुम्हारे पास आया कहां से? बॉस ने। बॉस ने? मैंने काम इतना अच्छा किया ना, तुम्हारे एनजीओ के बच्चों को बचाया, कंपनी की रेपुटेशन बचाई स्मार्टली, तो उन्होंने मुझे स्मार्टफोन दे दिया। तुम छोड़ो ना, छोड़ो ना, सेल्फी खींचते हैं। जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल! देखिए ना, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। बस नजर ना लगे हमारे बच्चों को। भाई मिसेस खुराना, एक बात तो है आपके मुंडे की, वो इसकी चॉइस है ना जो बिल्कुल अपने डैडी जी पे गई है। अच्छा चलिए ना, शॉपिंग करने चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहू की ज्वेलरी फेमस ज्वेलरी डिजाइनर डीडी से ही डिजाइन करवाऊं। ओके, अभी ड्राइवर को बुलाता हूँ। हाँ जी ड्राइवर, गाड़ी निकालो बेटा, मैं और मैडम मार्केट जाएंगे। ओ माय गॉड, क्या हुआ मिस्टर खुराना? हमारी बहू का नाम है रोशनी पटेल, यानी गुजराती। वो पंजाबियों की गुजराती बहू। पर शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो चलिए ना। हाँ तो चलिए, चलो। हाँ प्लीज मैम, ये हमारे स्पेशल कलेक्शंस हैं। मैम आपके मन में कोई खास रेंज है? हम अपनी डॉटर इन लॉ के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो रेंज का तो सवाल ही नहीं उठता। ज्वेलरी में इयररिंग्स, बैंगल्स, नेकलेसेस, सब कुछ दिखा दीजिए। आपने दिखाई जरा प्लीज।
आप प्लीज बैठे ना मैम. थैंक यू. थैंक यू. ये कैसा लग रहा है? इसमें तुम बिल्कुल एकदम मेरी जोरा जबी लग रही हो. आप भी ना. अरे भाई, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये हमारी बहू को पसंद आएगा कि नहीं आएगा. अब क्या है कि कल्चर टोटल अलग अलग है. हम पंजाबी हैं, वो गुजराती हैं. भाई गुजरातियों का तो पता नहीं, लेकिन हम पंजाबियों में जितनी ज्वेलरी लाद के पहनो ना उतना शुभ माना जाता है. मैम अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. हम भी गुजराती हैं. Oh, really? अरे वाह, that's very good. तो बहुत अच्छा है. आप एक मिनट, मैं आपको अपनी डॉटर इन लॉ की फोटो दिखाती हूँ. ओके, ये रहा, ये देखिए. गॉड, ठीक हो ना? हाँ, it's okay. ठीक से चल भी नहीं सकते. I'm sorry, ma'am. I'm so sorry. नहीं, कोई बात नहीं. It's okay. अरे, फोन तो खराब हो गया. मैम आई एम वेरी सॉरी. मैं आपका फोन ठीक करवा दूं? नहीं, इट्स ओके. हम नया फोन ले लेंगे. दैट्स ऑल राइट. लेकिन अब मैं आपको अपनी डॉटर इन लॉ की फोटो कैसे दिखाऊंगी? कोई बात नहीं मैम, मैं फोटो देखे बिना भी ज्वेलरी सेलेक्ट कर सकता हूं, और वो भी गुजराती स्टाइल की. फैंटास्टिक. वाह, वेरी गुड. थैंक यू जी. ओह, बैठो. मैं सोच रहा हूँ ये हार मैं अपनी बीवी के लिए ले लूँ. हम ही अपनी डॉटर इन लॉ की शॉपिंग करने आए हैं. अरे भाई, आप अपनी डॉटर इन लॉ की शॉपिंग कीजिए, मैं अपनी बीवी की शॉपिंग करता हूँ. ये पैक कर देना. जी. वैसे हम ना एक बहू नहीं, एक बेटी को घर में लेकर आ रहे हैं. जैसा वो चाहेगी ना बस वैसा ही होगा. वो खुश होगी तो हमारा बेटा खुश होगा. हमारा बेटा खुश होगा तो हम खुश होंगे. अब आप देखना, ढोल शोल ते नगाड़े शगाड़े कुक्कड़ शुक्कड़ एकदम पंजाबियों के स्थान में शादी होगी सिड की. एकदम सिंपल और क्लासी वेडिंग करवाऊंगी माँ. बेस्ट वेजिटेरियन फूड. इनफैक्ट अहमदाबाद के जो फेमस शाह केटरर्स है ना, उन्हीं को बुलवाऊंगी. सुन, गरबा भी रखेंगे, बहुत मजा आएगा. बिल्कुल माँ, शहर के सबसे अच्छे बांधनी साड़ी वाले से खास साड़ियाँ बनवाऊंगी. लेकिन रोशनी को ये सब पसंद आएगा ना? क्यों नहीं, माई चॉइस इज ऑलवेज करेक्ट. सुन, एक बात कहूँ, आज ना तुझे इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ माँ, बहुत दिनों के बाद खुशी का मौका मिला है. बट आई एम सो ग्लैड क्रिश और रोशनी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. फाइनली मेरी रोशनी की शादी एक ऐसे लड़के से होगी हु इज रिच एंड इंटेलिजेंट. जिंदगी भर ख्याल रखेगा वो उसका. ही इज सच अ ग्रेट गाय. जी, ये जो इलाका है ना, यहाँ होती है स्टोम्पिंग. स्टोम्पिंग यानी अंगूरों को कुचला जाता है, मसला जाता है, फिर जाके आप जो बड़े लोग जो वाइन पीते हैं ना, वो खुद देख लीजिए कितने लोगों के पैरों के नीचे से होके निकलती है. समझे? रुक 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 रुक. तुम्हें लगता है तुम भी हमारे साथ करोगे स्टोम्पिंग? इधर ही खड़े रहो. कम ऑन प्रिंसेस. I don't worry about anything, princess. वैसे भी इसको अपने पैसे मिल ही जाएंगे. और वैसे भी इन दो कौड़ी के लोगों को और चाहिए भी क्या होता है? और इसने तो कुछ किया भी नहीं है. Princess, come on, let's go grape stomping. Oh, come on, princess, बहुत मजा आएगा. Give me a hand. Jump, jump. ऐसे ऐसे. You have to try it. Come on, come on.
मेरी एक पिक्चर है कैलिफोर्निया में, 40 लड़कियों ने घेरा हुआ है मेरे को और मैं स्टॉम्पिंग कर रहा हूँ। Hey, are you into wine business? Yeah, how did you guess? लगता है आप तो वाइन्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मुझे भी कुछ बताइए ना। अरे कैलिफोर्निया में मेरे बहुत सारे विन्यास हैं, बहुत सारे। भाग चले कहाँ? किसी मंदिर वंदिर में चल के शादी वादी कर लेते। वैसे भी तुम्हारे इस सुपर चंपू दोस्त से दूर जाने के लिए हमें भागना ही पड़ेगा, है कि नहीं? वैसे भी तुम्हारा ये जो बेस्ट फ्रेंड है ना, अपनी नई दोस्तों के साथ काफी कंफर्टेबल फील कर रहा है। एक सेकेंड, आपको उस डीडी के शॉप्स में काम करने की जरूरत नहीं है मेरे अन्नदाता। बस अब पैसा ही पैसा होगा, हर तरफ बस पैसा ही पैसा। जुड़ेगी अम्मा, घर चले। देख अगर तुझे ऐसे किसी ने देख लिया ना तो कोई मर जाएगा, मर्डर केस बन जाएगा तुझे। चल मैम बैठी। थैंक्स मैम। जूस जूस। ओ साहब मैम से दूर खड़े रहिए, मैम इस पिक्चर में मेन भूतनी है। मैडम शॉट रेडी है आपका। होल्स होल्स भूतनी गोइंग फॉर शॉट्स। मरवाएगी मेरी खाली खोपड़ी वाली बीवी। मुझे यकीन नहीं होता कि उस कृष से छुटकारा दिलाने के लिए तुमने इतना कुछ किया। सिद्धार्थ सीरियस ना, तुमने इस सब के लिए उन लड़कियों को पटाया क्या? बोल के बोलना क्या था, बोल दिया फ्री लंच कराऊंगा, सारी की सारी आ गई। इतनी सारी लड़कियों को बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? मतलब इतने सारे पैसे आएंगे कहां? लड़कियां हैं कितना खा लेंगी, सारी की सारी फिटनेस कॉन्शियस होती हैं, डाइट कॉन्शियस होती हैं। और वैसे भी अगर खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये क्या, मैं अपना सब कुछ रोशनी बिना सोचे तुम पे नछार कर सकता हूं। इतनी इंपॉर्टेंस कभी किसी ने नहीं दी। सच बोल दे, कम ऑन सेट, सच बोल दे, कम ऑन, कम ऑन सेट, सच बोल दे, कम ऑन। रोशनी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। रोशनी रोशो, रोशनी हे प्रिंसेस, तुम वहां से यहां कैसे आ गई? जरूर इस टफर गाइड की ओवर स्मार्टनेस की वजह से। नो, एक्चुअली मैंने इसको बोला था। हो गया अब चले। हाँ आंटी मस्ट बी वेटिंग फॉर अस। Oh, yeah. Let's go.
मेरी बात सुनो रोशनी आए। हम इस बंदर के होते हुए कभी बात नहीं कर पाएंगे। हम कल बैठे आराम से बात करेंगे। कल पक्का मिलेंगे। ये पकड़ और आइंदा से रोशनी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, समझा? अपनी औकात में रहना सीख ले वरना पिटेगा। चलो रोशनी। इन्हीं विनियर्ड्स में अगर तुझे चमगादड़ की तरह उल्टा ना लटकाया ना बेटा तो मेरा भी नाम बदल देना। तूने रोशनी की मॉम पे इंप्रेशन जमाया है ना, अब तू देख कैसे उनका ये होने वाला जमाई उन पे इंप्रेशन जमाता है। जस्ट वेट एंड वॉच। जी मिस्टर मेहता, उन दोनों की शादी होगी लेकिन मुझे वेन्यूज तो ढूंढने दीजिए। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं सब संभाल लूंगी। रोशनी और कृष की शादी में कोई कमी नहीं रहने दो। आउच, आई जस्ट कॉल यू बैक। ओह गॉड, सो सॉरी। क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अरे तुम आंटी जी, ये तो गलत बात है। ओ माना मैंने, मैं गुड लुकिंग हूँ, हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, आइडियल बैचलर टाइप का हूँ, लेकिन ये तो गलत बात है ना। क्या पीछे पीछे लग जाओगे मुझे जमाई बनाने के लिए? ये कौन सा नया नाटक शुरू किया हुआ है तुमने पंजाबी बनने का? नाटक नुटक नहीं करते हम आंटी जी, सीधी बात है, मेहनत की रोटी खाते हैं, खुददारी से जिंदगी बताते हैं और इसीलिए पंजाबी कहलाते हैं। व्हाई यू सो लाउड? बात करने में शर्म आती है क्या तुम्हें? सारी की सारी साड़ी खराब कर दी, पता नहीं है कितनी महंगी है ये। इतना कमाते भी हो? आंटी जी, कमाता कितना हूं वो छोड़ दीजिए, मैं दिल से अमीर हूं। पैसे से अमीर होने का मुझे कोई शौक नहीं है। एक एडवाइस देता हूं मुफ्त की, ले लीजिए। आप भी दिल से अमीर बनने की कोशिश कीजिए, खुश रहेंगे, क्योंकि आपको देख के मुझे लगता है कि पैसा बहुत है आपके पास, फिर भी जरा गरीब टाइप के हैं आप। दो कौड़ी के लोगों को ऐसी क्लासी जगह पर आने कौन देता है? जब भी मिलता है मूड खराब कर देता है। Embarrassing. Sit, beautiful ना? चलो, अब मुझे शादी की डेट बताओ। मॉम कहाँ कहाँ पहुंच जाती हैं आप भी? क्या हुआ सेठ? अरे मुझे यहाँ तक ये नहीं पता है कि मेरी शादी होने वाली है तो कब होने वाली है। उससे मुलाकात तो होने रही, मेरी बात तो हो नहीं पा रही। तुमने अभी तक उसे सच्चाई नहीं बताई? अरे भाई वही तो वो बता रहा है कि वो कहना चाहता होगा लेकिन उसे मौका नहीं मिला। पर बेटे कोई बात नहीं, तू सिर्फ ये देख कि उसने तेरे लिए अपनी फीलिंग्स वगैरह जाहिर की है कि नहीं। मतलब उसने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया तुझे? पता नहीं डैड, लगता तो है दैट शी लाइक्स मी, लेकिन खुल के कुछ नहीं कहती। ओ, कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, लड़कियां ना थोड़ी साइलेंट लवर होती हैं। पता नहीं डैड, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ पे ये टूर गाइड बन के रह जाऊंगा। सेठ, इसलिए तो मैं वहां भेजा था। मेरा बेटा हार नहीं मान सकता और जब तक तुम मेरी बहू को सच्चाई नहीं बताओगे घर वापस नहीं आओगे। बस नहीं आऊंगा मैं। हाँ बेटे, और बेटा दिन में एक एप्पल और रात को एक ग्लास दूध जरूर लेना। दूध क्या है? ओके ओके गाइस, लव यू गाइस, गुड नाइट। सेठ यू जस्ट टेक केयर, ओके? बाय मॉम डैड, गुड नाइट, बाय। रोशनी पटेल, अब तो तुमसे बुलवा के रहूंगा मैं, दैट यू लव मी। और ये कि तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगे। ये शादी होकर रहेगी, वो भी 30 दिन के अंदर। ये वादा है मेरा अपने आप से, अब चाहे जो हो जाए। ये दिलवाला अपनी दुल्हनिया ले जाएगा। कहां कहां से आ जाते, एंट्री कौन देता है इन लोगों को यहां पे? हम क्या हुआ, किसने आपका इतना मूड खराब किया? दैट स्टूपिड इडियट मिडिल क्लास बॉय, ये देखो पूरी कॉफी गिरा दी। ओह नो, इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी उसने। पूरे महीने की सैलरी भी इकट्ठी करेगा तो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। ओह आई एम सो सॉरी, मेरा मूड इस वक्त। तुम दोनों का टूर कैसा था? Oh, it was awesome, आंटी। है ना रोशनी?
Oh yes, of course. हमारे कपड़ों को क्या हुआ? गिर गए थे क्या? नहीं कुछ नहीं आंटी, वो ग्रेप स्टॉम्पर करते हुए फिसल गया था। एनीवेज मेरी छोड़ो, ये आप पे कॉफी गिराने की हिम्मत किसकी हुई? था कोई बदतमीज। लगता है एक ही काज गिरी आज हम दोनों पर।